मैडम, आजकल जो ये नेता जो घोषणा करते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, तो आज महिला कितनी सुरक्षित हैं? मैं ये कहना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से कि महिलाएं आज भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि सरकार जो वादे करती है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह के स्लोगन देती है, या स्वच्छता का या सफाई का स्लोगन देती है, जितने सारे वादे जो सरकार ने किया, अभी वर्तमान सरकार ने, वो सब आपको पता है कि जुमला साबित हुए सब, है ना? कैसे तो जुमला साबित हुआ ना? क्योंकि उन सब चीज़ों में अभी तक आप देख रहे होंगे कि जो भी इनके वायदे थे वो उनमें से एक भी खरे किसी भी वायदे को पूरा नहीं कर सके। किनके वायदे थे मैडम? जो गवर्नमेंट है अभी सरकार चला रहे हैं, ऐसे नुमाइंदे हैं जिन्होंने वादे किए थे कि लोगों को हम 15-15 लाख रुपये देंगे, या उन्हें सस्ते मकान प्रोवाइड किए जाएंगे, या बहुत सारे ऐसे स्वच्छता के, जी 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 हाँ, 2 करोड़ नौकरियाँ दी जाएंगी, मेरे ख्याल से 10 लाख नौकरियाँ भी नहीं दी गई। तो सबसे पहली बात वो महिलाओं के विषय में मैं कहना चाहूँगी कि सरकार पूरी तरह फेल है और महिलाओं को सुरक्षा बिल्कुल नहीं दी जाती है। आज निर्भया कांड, क्योंकि वो एक ऐसे वर्ण की, एक ऐसी जाति की लड़की थी, उसका तो मुद्दा इतना उछाला गया या इतना संरक्षण उसे मिला, लेकिन डेली जो इतने 100, 150, 200 या 1000 महिलाओं की, लड़कियों की जो अस्मिता लूटी जाती है, उनके साथ जो बुरा होता है, क्या आज ये सब रोक पाई है सरकार? बिल्कुल नहीं रोक पाई है। उनका तो किसी प्रेस में या किसी अखबार में नाम तक नहीं आता। दलितों की लड़कियां रोज उनको बलात्कार होते हैं, उन्हें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है, उनके लिए पढ़ने की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है। जब लड़कियां बाहर खेतों में जाती हैं वहां उनके साथ बुरा हो जाता है, और स्कूलों में जाती हैं वहां बुरा होता है, मास्टर टीचर वगैरह भी करते हैं। तो क्या सरकार इस पर कोई एक्शन ले रही है? मुझे नहीं लगता कि अगर ये एक्शन लिया होता तो इतने सारे जो अखबारों में ढेरों खबरें आती हैं कि इतने लड़कियों के साथ ये हुआ, तो वो सब आनी बंद हुई क्या? और दलितों की लड़कियों के तो किसी थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती, उनकी तो बहुत बुरा हाल है दलितों की लड़कियों का। तो ये चीज़ मैं सरकार को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कृपया करके महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बेटियों को बचाओ बेटियों को पढ़ाओ, तो प्लीज़ पहले बेटियों को पैदा भी होने दीजिए, पैदा भी नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारी लड़कियों का भ्रूण हत्या की जाती है हर साल यहाँ पे, ऐसे काफ़ी उसके ऊपर कानून बने हैं कि भ्रूण हत्या ना की जाए, उसके बावजूद भ्रूण हत्या होती है। डॉक्टर, ये एक क्या कहेंगे कि इसमें भ्रष्टाचार है, डॉक्टरों ने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है कि पैसे लेके वो इस काम को करते हैं और पता भी नहीं लगता। हजारों लड़कियां जो हैं वो हर साल मारी जाती हैं, भ्रूण हत्या होती है। तो सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए, इसके अंतर्गत सजा जो है कड़ी करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कहीं लड़कियों के साथ अगर छेड़ाछाड़ी होती है, बलात्कार होते हैं, तो उसमें कड़ाई से कानून को पास कर उसमें लोगों पर उसे लागू किया जाए, ऐसे लड़कों को सजा ज़्यादा अच्छी कठोर दी जाए, जिससे वो डरे, किसी लड़की को छेड़ने से पहले डरे, बलात्कार करने से पहले डरे, लड़कियों की भ्रूण हत्या करने से पहले उसके माँ बाप को डर लगे। तो ये इस तरह के कानून पास करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।